हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप टीवीएस रोनिन का माइलेज टेस्ट देखने वाले हो। और ये फुल टैंक टू फुल टैंक माइलेज टेस्ट नहीं रहेगा, मतलब टैंक फुल करने का फिर अपन पेट्रोल डालते हैं और फिर चेक करते हैं दोबारा से टैंक फुल करवा के, उसमें ना इतना मज़ा नहीं आता और उसमें इतना बहुत ही एक्यूरेट नहीं समझ में आता। मैं काफ़ी बार वो भी करता हूँ, मजबूरी होती है भाई, क्योंकि जब अपने पास ये वाला ऑप्शन नहीं होता ना टैंक को खाली करके और फिर पेट्रोल डालने का, जो मज़ा है ना वो एक अलग ही है। जब ये वाला ऑप्शन नहीं बचता तो फिर करना पड़ता है अपन को फुल टैंक टू फुल टैंक, जहाँ पर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल वहाँ पर इसमें 500 ml पेट्रोल डालेंगे। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, पहले बोतल दिखाता हूँ, ये बोतल दी 500 ml वाली, जल्दी फटाफट फटाफट, वीडियो लंबे नहीं करनी। तो यहाँ पे ये बोतल है और ये खाली इसलिए क्योंकि मैं माइलेज टेस्ट कर चुका हूँ। और भाई वीडियो को कंटिन्यू देखना, आपको सच बता रहा हूँ मज़ा आ जाएगा माइलेज देख के। तो 500 ml पेट्रोल डाल के इसको फास्ट फॉरवर्ड भी किया है और उसके बीच बीच में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बाइक के बारे में बताई है, तो वो चीज़ यार ध्यान से सुनना आप और इग्नोर मत करना प्लीज़। मैं हमेशा नहीं बोलता हूँ, कभी कभी बोलता हूँ आपको ये चीज़ें। 500 ml में कितने किलोमीटर चलती है, जितने किलोमीटर चलेगी उसको अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर अपनी बाइक का 1 लीटर का माइलेज टेस्ट आ जाएगा। साथियों को बताना चाहता हूँ, हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त राइडर विजयन, पूरी राइडर फैमिली का स्वागत करता हूँ आज एक नए वीडियो के अंदर। एक बार आप बोतल को देख सकते हो, हवा से उड़ गई भाई, मैं बोतल दिखा रहा था कितने ml की है। तो बोतल को देख सकते हो, यहाँ पे नेट क्वांटिटी 500 ml लिखी हुई है साफ साफ, और मैं आपको पास से थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। हाँ, 500 ml दिख रहा होगा ना साफ साफ। अब तो अभी मैं फोकस हटा देता हूँ, मतलब जूम कम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में रहे कि भाई वही बोतल है। अब इस बोतल से ही माइलेज टेस्ट हम करने वाले 500 ml पेट्रोल बाइक के अंदर डालने के बाद। भाई कई देर से कोशिश कर रहा हूँ कि बंद हो जाए। वैसे मैंने सारा पेट्रोल निकाल लिया था टंकी से, लेकिन फिर भी थोड़ा पेट्रोल रह जाता है टंकी के अंदर, और उसको ख़त्म करने के लिए पहले थोड़ा चलाना पड़ता है बाइक को। लगभग आधे घंटे तक मैंने स्टार्ट करके छोड़ा था घर पर, उसके बाद फिर मैं लेके निकला हूँ तो अब जाके ख़त्म हुआ। अभी स्टार्ट करते हैं, क्या पता अभी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि नया बिल हो रही है, देख रहे अब स्टार्ट नहीं हो रही है। तो सही जगह बंद हुई है, यहाँ पे ट्रैफिक भी नहीं है। हो गई यार स्टार्ट, ये क्या रोला है इसका यार, मतलब जब बंद हो जाएगी तो ही पेट्रोल डालेंगे इसमें। नहीं यार नहीं चल पा रही है, अभी डाल लेते हैं, क्योंकि देखो मतलब 2 कदम पे नहीं चली बाइक, वो फिर से बंद हो गई है। तो ऐसे बार बार खींचने का कोई सेंस नहीं है, और इसी पोजीशन पे अपन बंद कर लेंगे बाइक को। तो अभी एक बार स्टार्ट करके मैं फिर भी दिखा देता हूँ आपको, मे बी स्टार्ट नहीं होगी अब तो। खैर एक सेकंड, स्टार्ट तो हो रही है पर मतलब आप आवाज़ सुन रहे हो ना, देखो वो बंद हो जा रही है, मतलब ये चल नहीं पाएगी फ़िलहाल अभी ना, इस कंडीशन में स्टार्ट हो रही है। देखो अब तो हो ही नहीं रही है, नहीं कोई सेंस नहीं है। तो अब इसमें डालते हैं 500 ml पेट्रोल। अभी सबसे पहले इसकी ट्रिप 1 और ट्रिप 2 को अपन कर देते हैं 0, और ओडोमीटर में आपको चेक करवा देता हूँ बाइक का। एक सेकेंड, यहाँ पे ओडोमीटर है 550 km, और ये ट्रिप 1 है इसको कर देते हैं 0, और ये ट्रिप 2 है इसको भी अपन कर देते हैं 0। ट्रिप 1 को अपन रखते हैं फ्रंट पे, ऑडोमीटर भी आप नोट कर लो 550 km है, ट्रिप 1 को रखते हैं फ्रंट पे। और अभी डालते हैं बाइक के अंदर 500 ml पेट्रोल। पेट्रोल दियो तो थोड़ा ध्यान से, देखो 500 ml में आपको दोबारा दिखा देता हूँ, वैसे मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया होगा। इस पे यहाँ पे नेट क्वांटिटी 500 ml, ये 10 रुपये वाली पानी बोतल आती है टी फ्रेश वाली, तो ऐसे जुगाड़ करना पड़ता है भाई, क्या करें। थोड़ा सावधानी से डालते हैं ताकि पेट्रोल ख़राब ना हो ना। इसको पहले यहाँ से किया बंद, इसका मुँह, ओहो 2-4 बूंद फिर भी निकल गई, पर काम चल जाएगा इससे, 2-4 बूंदों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। ठीक है तो इसको करते हैं बंद और अब चलाते हैं ना। और अपनी स्पीड रहेगी इस बाइक के ऊपर लगभग 70 से 80, क्योंकि यार रोनिन अगर कोई लेगा तो वो भाई 40-50 तो चलेगा नहीं, थोड़ी लॉन्ग राइड के हिसाब से बाइक लेने की सोचता होगा इंसान। तो मेरी जो स्पीड रहेगी वो 70-80 के आसपास रहेगी, 80-85, 70-80, समझ रहे हो ना। बस मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कितने की स्पीड रहेगी, और इसी स्पीड पे अपना माइलेज टेस्ट निकल के आएगा कितनी माइलेज देती है। भाई माइलेज वैसे मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी निकालेगी भाई, क्योंकि मैं इससे ऑलरेडी एक लॉन्ग राइड कर चुका हूँ और मुझे पता है मुझे क्या माइलेज दी थी बाइक ने। ये स्टार्ट हो गई है, फुल इंजेक्टेड बाइक का यही मज़ा है यार। कार्बोरेटर होता है ना भाई साहब, बहुत देर मेहनत करने के बाद स्टार्ट होती है, इतने से पेट्रोल में स्टार्ट ही नहीं होती पहली बार जल्दी से, काफ़ी मेहनत करवाती हो। फुल इंजेक्टर वाली बाइक ईजिली स्टार्ट हो जाती है इस तरीके से। अभी देखो पिछले कुछ किलोमीटर से मैं बाइक का ऐसे चला रहा हूँ, थोड़ा सा गांव टाइप का एरिया है और थोड़ा कस्बे टाइप का, समझ लो मतलब ख़राब रोड भी, अच्छे रोड भी और ब्रेकर भी है काफ़ी ज़्यादा,
पीछे मैं कम से कम अभी 7-8 ब्रेकर क्रॉस करके आ चुका हूँ। और बाइक की जो स्पीड है 30-40 पे भी आई है, ऐसी बात नहीं है, जैसे अभी भी कम चल रही है, लेकिन साफ रोड आने के बाद मैं 70-80 कर लेता हूँ स्पीड को। तो ये अच्छा भी है अपने लिए, क्योंकि हर जगह की माइलेज हो जाएगी अपनी, जो माइलेज टेस्ट रहेगी इसके अंदर इंक्लूड रहेगा, सब कहीं सब हर जगह इंक्लूड रहेगी। मैं पीछे इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि पीछे यार दोस्त की बाइक आ रही है, तो उसको पता रहे मैं कहाँ मुड़ रहा हूँ, कभी वो सीधा निकल जाए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम सीधा निकल जाते हैं, उस साइड जाते हैं वीडियो बनाने। टीवीएस की बाइकों में जैसे बाइक चल रही है ना, तो बाइक चलते टाइम अपन ट्रिप ए, ट्रिप टू, ओडोमीटर ऐसे चेंज नहीं कर सकते चीज़ों को, इसमें भी नहीं कर पा रहे हैं अपन, ना ही अपाची में कर सकते हैं और ना ही रेडर में कर सकते हैं। तो इस चीज़ का एक पॉजिटिव पॉइंट भी है और इस चीज़ का एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है चलते हुए बाइक पर, जो कि एक सेकेंड का काम भी नहीं होता मे बी, उसके लिए बाइक आपको रोकनी पड़ेगी। लेकिन एक इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप अगर ट्रैफिक में हो, इधर उधर हो, तो काफ़ी लोगों की आदत होती है भाई मीटर के अंदर चीज़ों को चेंज करना, तो वो चीज़ नहीं करेंगे वो लोग, और उससे जो माइंड रहेगा, माइंड मतलब डाइवर्ट नहीं होता है किसी और चीज़, फोकस रहता है रोड पे, मीटर पे जो चीज़ चल रही है वही चीज़ देखो भाई, ज़्यादा चीज़ों में बिजी मत हो, तो वहाँ पे क्या है कि एक्सीडेंट होने के चांस भी कम रहते हैं। यहाँ पे रोकते हैं अपन, यहाँ पे पेड़ की छाया है ना यार, जैकेट पहन रखा है, राइडिंग गियर पहन रखे हैं, तो यार थोड़ी गर्मी लगती है भाई, इस वजह से छाया देखनी पड़ती है यार, कि ज़्यादा गर्मी में ना मरना पड़े। तो 7.7 किलोमीटर चलिए अपने गांव वाले एरिया के अंदर, अभी आप देख लो, एक सेकंड कार पीछे से आ रही है, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। और अब चलते हैं अपन मेन हाईवे के ऊपर, मैं अपने दोस्तों को बोल देता हूँ कि यहीं पे वेट करें, सुन तुम लोग ना यहीं पे वेट कर लो, या फिर पीछे थोड़ी सी ना वो पेट्रोल पम्प है ना, पीछे पेट्रोल पम्प है ना, सर्विस रोड से चला जाइए सीधा, सर्विस रोड से नहीं जा पाओगे, तुम्हें शायद ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ से और फिर सर्विस रोड आएगा, तो अगर पेट्रोल पंप के पास पहुंच जाना, वहाँ पे दुकान वहाँ बैठ लेना, ठीक है। तो भाई यहाँ पे एक सेकंड के लिए रुके, तो उसके लिए माफ़ कर देना। अभी अपना रोड है सिंपल खाली और अब इस पर चलेगी बाइक, क्योंकि हाईवे वाली माइलेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बाइक के लिए, क्योंकि हाईवे क्रूजिंग के लिए भी फोकस किया गया है इस बाइक को लेकर। शुरू कर दिया और अब मेरे हिसाब से बस बंद होने वाली, कभी भी किसी भी वक्त अभी बंद हो सकती है, इसने भी पुल पर चढ़ते टाइम मिसिंग की थी, मतलब उतना एक्सीलेटर छोड़ देना, अभी फिर से कर रही है, और देखते हैं, नहीं अब नहीं चल पा रही है, अब बस ये है कि हाँ बस झटके से ले रही है, और बस अब कभी भी बंद हो सकती है, कभी भी बंद हो सकती है अपनी बाइक, कोई भरोसा नहीं है अभी इसका, अभी अभी बंद हो रही है बाइक बिल्कुल, अभी नहीं स्टार्ट हो रही है, अब बंद हो गई है, अब नहीं चल रही है। पेट्रोल पम्प भी पास ही अपने, लेकिन अपने दोस्त हैं उनको मैं लोकेशन डाल दूँगा, अपने आसपास ही मैंने पेट्रोल पम्प की लोकेशन दी थी, और मैं इसी हाईवे से उधर से यूटर्न मार के आया हूँ, और बड़ी सही जगह आके बंद हुई अपनी बाइक, एयर फिर भी स्टार्ट करने की कोशिश कर लेते हैं, बाकी ना करें तो ज़्यादा बेटर, स्टार्ट हो सकती है बाइक दोबारा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगी, क्योंकि थोड़ा सा पेट्रोल नीचे फ्यूल पम्प में रह जाता है लास्ट टाइम फिर भी। तो अभी चल गई अपनी बाइक 43.7 की माइलेज दी है, जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन जा रही है ना, 47.4 इतनी माइलेज दी है बाइक ने, पर देखो अच्छा स्टार्ट तो नहीं हो रही है, वैसे अभी स्टार्ट नहीं हो रही है, अभी माइलेज टेस्ट आप देख के आ चुकी है अपनी खाली बोतल, अभी भी अपने पास इसको मैं पास रखता हूँ अब, क्योंकि मुझे बार बार भटकना नहीं पड़ता दुकानों के ऊपर बोतल लेने के लिए, और देखो रिजल्ट देख के काफ़ी सारे लोग यकीन नहीं करेंगे, शॉक हो जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं भाई इतना ही माइलेज देती है अगर आप 70 की स्पीड मेंटेन करके चलते हो बाइक के ऊपर, या 80 चलते हो तो,
लेकिन थोड़ा सा और प्लस जाओगे तो माइलेज 4-5 की कम हो जाएगी, फिर यहाँ पे 42-43 की माइलेज बाइक देगी। और एक चीज़ बता देता हूँ, काफ़ी लोग फिर ये सोचेंगे भाई 50 की स्पीड पर चलाएंगे तो 50 प्लस की माइलेज मिलेगी। हाँ भाई बिल्कुल मिल जाएगी, 50 की स्पीड मेंटेन के चलो मेंटेन करो 50 से प्लस की माइलेज मिल जाएगी। तो देखो जो फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइक होती है ना उनमें सब में आपको माइलेज काफ़ी अच्छी मिलती है आजकल देखने को, और किसी भी बाइक को अगर आप प्यासे चलाते हो ना माइलेज काफ़ी अच्छी निकालती है बाइक। आप थोड़ा सा रस राइडिंग करते हो तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, और ना ही भगवान कुछ कर सकता है, प्यासे चलाते हैं माइलेज टेस्ट के अंदर तो वही रिजल्ट अपने सामने आया है। बाकी यार इस वीडियो में कुछ पसंद आया वीडियो को लाइक कर लेना, अपने बाइक को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, कोई वीडियो चाहिए तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, स्टोरी डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो यार। वहाँ से इजी हो जाता है कॉन्सेप्ट को समझना और किस चीज़ पर वीडियो बनानी वो चीज़ समझना थोड़ा आसान हो जाता है। बाकी यार फिर मिल जाते हैं नेक्स्ट वीडियो दोबारा से, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर, ध्यान रखो ना, मस्त और खुश रहो यार।